Welcome to the club. अरुमुगल कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्रभु ने आपको कौन सा अभिषेक प्रदान किया है? भविष्यवाणी का अभिषेक प्रदान किया है ना? इसका मतलब आप प्रभु के भविष्यवक्ता हो। हर दिन ये भविष्यवाणी का अभिषेक आपके अंदर बढ़ते ही रहता है। ये भविष्यवाणी का अभिषेक बढ़ते रहने के लिए आप लोग हर रोज प्रार्थना करते हो कि नहीं, बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? अरे रे, आपको पता है हमें आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट कैसे पता चलता है? आपके मम्मी डैडी हमें कॉल करके आप दर्शन देख रहे हो, प्रभु से बात कर रहे हो, ऐसा बहुत खुशी के साथ हमें ये सब बताते हैं। ये सुनकर हमें भी खुशी होती है और प्रभु यीशुआ को भी बहुत खुशी होती होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम एक जरूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। भविष्यवाणी का अभिषेक जब हमारे अंदर बसा होता है तब हमें क्या करना चाहिए, हम इस विषय के बारे में हमारे एक पसंदीदा शो के जरिए सीखने वाले हैं। वो कौन सा शो है? वो है हमारा पपेट शो। ए रॉकी, जब से आया है नचाने कहाँ व्यस्त है? ए रॉकी, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्यों ये लीली? ए रॉकी, जैकलीन तुम कैसी हो? जैकलीन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जब से तुम आए हो तब से तुम उस फोन में इतना व्यस्त क्यों हो? मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ जैकलीन। देखो तो मुझे कितने सारे लाइक्स मिले हैं, क्या तुम्हें पता है? मुझे पता है वो तुम्हें कैसे मिले हैं, हर एक से भीख मांग कर तुम वो लाइक्स कमाते हो ना? हे, मैं बहुत ही सुंदर लड़का हूँ। देखो इधर, देखो लिली, शेरली, स्नेहा, ये सब मुझे लाइक करते हैं। मेरे 100 कॉन्टेक्ट्स हैं, मुझे लाइक्स मिलते हैं उससे, पता है तुम्हें? अरे यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, तुम क्यों मम्मी को बुला रही हो? मम्मी भी उसे लाइक कर सके इसलिए आवाज दे रही हूं। ओह, ए मम्मी किचन में बहुत ज्यादा व्यस्त है, इसलिए उन्हें तुम परेशान मत करो, आओ हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हमेशा ऐसे अपने फोन में घुस घुस कर मत बैठा करो। हे जैकलीन, क्या तुम्हें पता नहीं ये जो दुनिया है वो मस्ती करने के लिए है? अरे रे, अगर तुम ऐसा ही करते रहे फिर तो तुम्हारे इन्हीं हैंडसम हाथों से, इन्हीं हाथों से शैतान तुम्हें खींचकर नरक में ले जाएगा। हे, शैतान मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएगा, बल्कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त लिली का हाथ पकड़ेगा। ये लिली कौन है? हे, लिली बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। खैर छोड़ो, तुम उसके बारे में नहीं जानती होगी, है ना? तुम्हें जो भी बात करनी है वो तुम जल्दी से करो और जल्दी से इस जगह को खाली करो। बस ऐसे ही बात करते रहो और एक दिन शैतान जरूर तुम्हें डराने आएगा, तब मैं देखूंगी तुम क्या करते हो। समझ में आया? क्या? शैतान? अरे मैं उसे देख लूंगा। अरे वो है क्या, उसका चेहरा? ठीक है, क्या तुम्हें पता है? तुम बिल्कुल पागल जैसी बातें कर रही हो, जाओ यहाँ से तुम। देखो मम्मी किचन में तुम्हें बुला रही है। ठीक है, जो चाहे करो, मैं जाती हूँ। ओह, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं मुझे, मुझे इन सब को साफ करना होगा। ए, रॉकी। ए, जैकलीन, जाके तुम अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। अरे देखो तो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त आया है। क्या कहा?
कौन हो तुम? शैतान की तरह लगते हो। अरे सुनो, मैंने तुम्हारी बहन जैकलीन को देखा है, पर मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, देखो। ए, मेरी बहन जो जैकलीन है वो बहुत ही सुंदर है और तुम बहुत ही बदसूरत हो। अपना रंग देखो, हरा रंग, गुलाबी रंग, भूरा रंग, छी 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 छी। अरे ये तो आजकल का फैशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फेसबुक देख रहे थे ना, देखते रहो तुम। उधर देखो, उधर एक ऑप्शन है, देखो। देखा ना? जाओ जाओ उसमें जाओ। तुमने देखा मेरी सेल्फी फोटो कितनी सुंदर आई है? देखा देखा देखा। हाँ हाँ, चलो उसे पोस्ट करो, जल्दी पोस्ट करो। ओ, कर दिया। ओ, देखो पोस्ट करते ही कितने सारे लाइक्स आ गए, देखो। ए, रॉकी याद रखना, वो सब मेरे दोस्त हैं। हाँ। ओ, तुम्हारे सारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे हैं। वो ऐप देख रहे हो ना, उस लिंक को तुम ओपन करो। हे, ये ऐप तो कुछ नया लगता है। उसे तुम खोलो खोलो खोलो। ऐप अच्छा नहीं है। मेरी बात मानो रॉकी, तुम उस लिंक को ओपन करो। लिंक ओपन करना है? जल्दी करो तुम। अरे रुको, क्यों चिल्ला रहे हो तुम कब से? हे रॉकी, उस लिंक को जल्दी से ओपन करो तुम, रॉकी। अरे मैं लिंक ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, सिग्नल बहुत ही वीक है। अरे जल्दी करो, जल्दी करो रॉकी। इस कमरे में सिग्नल आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? अरे बॉस, जल्दी से आप सिग्नल भेजिए ना बॉस। ओ, यहाँ तो पूरा सिग्नल आ गया यूट्यूब और व्हाट्सएप का। धन्यवाद बॉस। ये ऐप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं इसे लिंक नहीं करूंगा, जाओ। क्या बुरा है? ए रॉकी, तुम उस ऐप को जल्दी से खोलो, देखो उसके अंदर क्या है, बहुत ही अच्छा है रॉकी, खोलो। पर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? अरे खोलो उसे। कौन सा? मेरे पापा बहुत डांटेंगे। ए, तुम्हारे पापा को मैं देख लूंगा, खोलो तुम उसे। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। नो, नेवर, आई विल नॉट। इंग्लिश में बोलना बंद करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम इस लिंक को जल्दी खोलो, ये बहुत ही अच्छा होगा, क्लिक करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा समय बहुत ही अच्छा होगा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत ही बुरे हो, मुझे इस लिंक की जरूरत नहीं है, मुझे ये ऐप नहीं चाहिए। रॉकी, तुम मेरी बात सुनो, इस लिंक को अगर तुम खोलोगे तो बहुत मस्ती करोगे। इधर देखो, तुम्हारा समय बीत जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है, अगर तुम इसे देखोगे तो वाह वाह कहोगे। तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तुम अब मत बोलो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। शुरुआत में तो तुम बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, अभी इतने डरावने तरीके से बात कर रहे हो। मैं ऐसा ही बात करूंगा। मुझे लगता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत बढ़ गया है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ए, तुम जल्दी से इसे ओपन करो, अगर तुमने इसे ओपन नहीं किया तो मैं तुम्हारा अग्नि से नाश कर दूंगा। मुझे एक योजना सूझी है। योजना? तो तुम उस योजना का इस्तेमाल करो और जल्दी से लिंक को ओपन करो, जल्दी करो। करता हूँ करता हूँ, मैं तुम्हारा अंत तो कर दूँ। हे पिता, मैंने गलती से ये ऐप खोल लिया और फोन को यूज किया। डर लग रहा है यशुआ पिता। लिंक ओपन करने के लिए कहा, प्रार्थना करने के लिए कहा क्या मैंने? तुम अपना मुंह बंद करो, लिंक को ओपन करो। यशुआ पिता, आप इसका तुरंत विनाश करिए प्रभु। यशुआ पिता, अपनी अग्नि तुरंत भेजिए प्रभु। यशुआ पिता के नाम से मैं इसे दूर भगाता हूँ। क्या तुम क्या सोच रहे हो? तुम प्रार्थना करोगे और अग्नि आके मेरा नाश कर देगी? तुम इतने दिनों से फेसबुक यूज कर रहे हो, इतने दिनों से व्हाट्सएप चला रहे हो, और अब जब तुम खतरे में हो तो प्रभु को याद कर रहे हो। यशुआ पिता, मैंने ये पाप क्यों किया जानते हुए भी, यशुआ पिता आज के बाद मैं फोन नहीं इस्तेमाल करूंगा प्रभु। यशुआ पिता, अपने लहू से मुझे क्षमा करिए प्रभु। हाँ प्रभु, शैतान का तुरंत विनाश करिए प्रभु। ये क्या क्या तुमने, ये क्या क्या तुमने? के नाम से आपकी अग्नि से नष्ट कर दे प्रभु, प्रभु आपकी अग्नि से नष्ट करे प्रभु, सहायता करिए मेरी प्रभु, आपके लहू से प्रभु, आपका लहू से नष्ट कर दे, शैतान को नष्ट कर दे प्रभु। प्रभु तुम चले जाओ यहाँ से। किसी भी तरह से आखिर शैतान यहाँ से चला गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है प्रभु, आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। अब मुझे ये फोन नहीं चाहिए प्रभु,
मैं अपने मम्मी पापा से भी इसके लिए क्षमा मांगूंगा प्रभु। जैकलीन, हे रॉकी, रॉकी, जैकलीन तुम आ गई क्या? हाँ, मैं आ गई। ये आवाज कैसे थी, क्या हुआ बताओ? जब तुम चली गई थी ना, तो उसके बाद काले रंग का एक शैतान आया था। हे प्रभु, शैतान? और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वो कह रहा था ये ऐप ओपन करो, वो लिंक ओपन करो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने उसे खोला तो नहीं? नहीं, मैं उसे खोलने के लिए खोज रहा था। पर उसमें बहुत ही बुरी बुरी चीजें थी ऐप में। ठीक है, अब बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है? अरे रे, हमारे मम्मी पापा हमसे कितनी सारी चीजें बताते हैं, वो सब बिल्कुल सच है जैकलीन। अब आज के बाद मुझे इस फोन की जरूरत नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। हमारे मम्मी डैडी हमें सिर्फ अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो हमेशा फोन में ही रहता था। अब तुम समझे ना कि इस फोन के जरिए शैतान तुम्हें नरक में ले जा सकता है, समझे? हाँ जैकलीन, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं इसी फोन की वजह से प्रभु यीशुआ को भूल गया हूँ, और मैं भविष्यवक्ता के अभिषेक को भी भूल गया हूँ। अब तो मुझे लगता है मैंने खो दिया सब। ऐसे उदास मत हो रॉकी, तुमने प्रभु से क्षमा की याचना की थी ना, इसलिए प्रभु तुम्हारा भविष्यवाणी का अभिषेक कभी वापस नहीं लेंगे। तुम क्या कह रही हो जैकलीन? प्रभु ने तुम्हें आंखें दी है ना, तो तुम्हें इन आंखों से प्रभु, सिर्फ प्रभु के कार्य को ही देखना चाहिए। सही कहा, सही कहा। प्रभु यीशुआ, मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपने मुझे कितना महान अभिषेक प्रदान किया था प्रभु। मुझे वो अभिषेक वापस चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे आपका भविष्यवक्ता बन के जीना है प्रभु। प्रभु, मुझे भविष्यवाणी के वचन बोलने हैं प्रभु। ऐसे ही हर रोज प्रार्थना करते रहो। तुमने प्रभु से क्षमा की याचना की है ना, और प्रभु ने उनके लहू से तुम्हें पवित्र करके क्षमा कर दिया है। हाँ जैकलीन, अब मुझे ये फोन नहीं चाहिए, मैं इसे पापा को दे दूंगा। गुड बाय, आज से हम दोनों साथ में प्रार्थना किया करेंगे, ठीक है ना? हाँ जैकलीन, आज के बाद जितने भी बच्चे इस फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसके आदि हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, सभी बच्चों के लिए। और बस इतना ही नहीं, किसी को भी भविष्यवक्ता का अभिषेक खोना नहीं चाहिए। हाँ, उन सभी को प्रभु के वचन बोलने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैकलीन, वो जो पापा मेरे लिए बाइबल खरीद के लाए थे ना, वो कहाँ है, उसे लेके आओ। मुझे बहुत सारे वचन पढ़ने की इच्छा हो रही है अभी। वाह रॉकी, तुम तो बहुत बदल गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। आज से हम प्रार्थना और प्रभु की आराधना साथ में किया करेंगे। और एक बात, हमें साथ में भविष्यवाणी भी जरूर करनी चाहिए। हाँ जैकलीन, मैं उस शैतान को, जिस शैतान ने मेरी सोच को प्रभावित किया था, उस शैतान को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं भविष्यवक्ता के बुद्धि के जरिए और प्रभु के वचन के जरिए उस शैतान को हरा दूंगा, सच कहता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मैं बाइबल लेकर आती हूँ और तुम जाकर मोबाइल डैड को दे दो, ठीक है? ठीक है जैकलीन। पापा कहाँ पर हैं? बोलो। दादी ऊपर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं, जल्दी जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ। आज के बाद मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु यीशुआ चाहिए, मुझे भविष्यवक्ता के अभिषेक में पढ़ना है। क्या दोस्तों, सबने पपेट शो देख लिया ना? सब ऐसे क्यों सोच रहे हो, डर लग रहा है? शैतान ऐसे ही आपको अभिषेक में बढ़ने से रोकेगा और प्रभु के रहस्य कहने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? आपको मोबाइल की लत लगाकर आपको प्रभु से दूर करेगा। जब हम इस मोबाइल की लत से आखिर कैसे छुटकारा पाए, यही आप सोच रहे हो ना? अगर आप भविष्यवक्ताओं की पीढ़ी के बच्चों की सेना हो, तो आपको इस पर विजय पाना ही होगा। तभी आप आपके अंदर के भविष्यवाणी के अभिषेक में बढ़ने के बारे में, प्रभु के रहस्य बोलने के बारे में, प्रभु की इच्छा पूरी करने के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। तो हम क्या करेंगे, घर में रखें मोबाइल को ऐसे? आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, बाहर फेंक दो।
मम्मी डैडी को वापस करो, आप इस्तेमाल मत करो। प्रभु के भविष्यवक्ता के हाथों में क्या होना चाहिए? बाइबल होनी चाहिए। बाइबल के सभी वचनों को आपको अपने दिल पर लिख लेना है और जब प्रभु के शब्द सुनोगे प्रभु के मुख से, तभी आप वचनों के साथ जुड़ पाओगे और बाइबल के वचनों की भविष्यवाणी कर पाओगे। और वो कैसी होगी? अधिकार जैसी होगी। प्रभु के शब्द आपके जरिए अधिकार के साथ बाहर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला भाग देखते हैं। मैं बताऊंगी आपको इस बारे में क्या करना है। तो आपको क्या करना है, बाइबल को सामने रखकर नोट लेकर पेन लेकर तैयार रहना है। क्या अब हम वो शो देखें? समीक्षा, कैसी हो दोनों? ठीक है आंटी। ठीक है, अब मुझे बताओ भविष्यवाणी का अभिषेक तुम दोनों के अंदर काम कर रहा है या नहीं? कर रहा है। प्रार्थना करते समय मैं प्रभु का अस्तित्व महसूस कर सकती हूँ और मैं दर्शन भी देख सकती हूँ और बाइबल पढ़ सकती हूँ, बस यही। दर्शन देख सकती हो, है ना? इस भविष्यवाणी के अभिषेक का मुख्य प्रभाव यही है कि प्रभु के रहस्यों को आप जानकर प्रभु की आवाज को सुनकर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो। तो हमें प्रभु की धड़कन पता होनी चाहिए, ठीक है ना? समीक्षा, भविष्यवाणी का अभिषेक तुम्हारे अंदर कैसे काम कर रहा है? जब मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करती हूँ और प्रभु की आराधना करती हूँ तब मुझे प्रभु का अस्तित्व महसूस होता है और मुझे भविष्यवाणी का अभिषेक प्राप्त होता है। ठीक है, आपने बाइबल साथ में लाई है ना? अब हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय वचन 11 और 12। एंजल तुम पढ़ो। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुँचा और उसने पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे उबलता हुआ एक खंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुँह उत्तर दिशा की ओर से है। ठीक है, तो अभी हमने वचन पढ़े हैं। यहाँ भविष्यवक्ता यिर्मयाह से प्रभु पूछ रहे हैं कि यिर्मयाह तुम्हें क्या दिख रहा है, है ना? तो यिर्मयाह देखते हैं, तब उन्हें बादाम के पेड़ की एक डाली दिखती है। वहाँ क्या था? बादाम का, बादाम के पेड़ की डाली, एक डाली। तो यिर्मयाह प्रभु से कहते हैं कि उन्हें बादाम के पेड़ की एक डाल दिख रही है ना? और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? तुमने बिल्कुल सही देखा है, है ना? ये कहते हुए वो एक और बात कहते हैं, अब मैं मेरा शब्द पूरा करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहते हैं। अगले वचन में फिर से यिर्मयाह से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है और यिर्मयाह कहते हैं कि उन्हें उबलता हुआ भगोना दिख रहा है। और प्रभु उनसे पूछते हैं कि उस भगोने का मुख किस दिशा को है और कहते हैं कि उस भगोने का मुख किस दिशा में था, है ना? तो वो उत्तर दिशा में था, ऐसा वो कहते हैं। और प्रभु उनसे कहते हैं वो उत्तर दिशा की ओर है, इसका मतलब वहाँ से इस देश में रहने वाले लोगों पर संकट आएगा, ऐसा कहा था। अगर आप ध्यान दें तो यिर्मयाह वहाँ वही कर रहे थे जो दिख रहा है, लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? वो देखकर भविष्यवाणी का खुलासा कर रहे हैं। यिर्मयाह उसे सिर्फ एक भगोने की तरह देख रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि उस देश पर संकट आने वाला है। तो हमें इस वचन से क्या सीख मिलती है? भविष्यवक्ता की नजर से हमें हर एक चीज को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। साधु दादाजी भी हमेशा कहते हैं ना कि इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को देखो, ये हमें दर्शाती है कि प्रभु बहुत जल्द ही आने वाले हैं। वो कहते हैं ना, हाँ कहते हैं, अगर आप सुनामी आते देखो तो ये आखिरी दिनों की निशानी है कि नहीं? और भूकंप भी आखिरी दिनों की निशानी है कि नहीं? तो हमें भविष्यवक्ता की नजर से इन्हें क्या करना है? देखना है। यहाँ भविष्यवक्ता यिर्मयाह को प्रभु ऐसे ही प्रशिक्षित कर रहे हैं, एक साधारण वस्तु की तरह, कि ये तो बस पानी है, ये तो बस डाली है, ऐसे नहीं देखने देते, बल्कि भविष्यवक्ता के नजर से उन्हें देखने के लिए कहते हैं।
छोटे बच्चों की सेना को भी प्रभु वैसे ही प्रशिक्षित करने वाले हैं, ठीक है। ये एक अभिषेक भविष्यवक्ता का अभिषेक है। ये अभिषेक कोई साधारण अभिषेक नहीं है, ये राजसी अभिषेक है। प्रभु के आने से पहले आप बहुत से कार्य कर सको, इसलिए आपको प्रदान हुआ है। तो साधारण कामों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप इस अभिषेक में बड़े होगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना गौरवशाली है। तो जब भी आप कहीं देखोगे, अपने दोस्त को देखोगे या इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जब आप उनको देखोगे तब अचानक ऐसा कुछ होगा, प्रभु ऐसा कुछ करेंगे कि आपके अंदर से बात करेंगे और भविष्यवाणी की चीजों के साथ उन सबको जोड़ेंगे, समझे ना। तो जब भी आप किसी चीज को देखो तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपकी सोच भविष्यवक्ता जैसी होनी चाहिए और आपके विचार प्रभु यीशु जैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। जब आप हर रोज बाइबल पढ़ोगे, हर रोज घंटों तक प्रार्थना करोगे, तब ये सारी बातें आपके साथ होंगी। प्रभु एंजल से कहेंगे, एंजल क्या दिख रहा है, उससे तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें जो दिख रहा है उसका सही मतलब क्या है वो प्रभु तुम्हें बताएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप सबने सुन लिया ना, बाइबल के वचन को लिख लिया ना। तो भविष्यवक्ता यिर्मयाह के साथ प्रभु ने क्या किया? सभी चीजों का उन्हें भविष्यवाणी की चीजों से फर्क करके दिखाया। जो चीजें हम देखते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, प्रभु हमें उनके जरिए अपनी योजना बताएंगे। तो अगर हम एक भविष्यवक्ता हैं, तो चाहे हम रास्ते पर हों, प्रभु हमें चलते चलते भी कुछ खास बातों का खुलासा करेंगे। उन चीजों को भविष्यवाणी के अभिषेक के साथ जोड़कर बताएंगे। वो आपके विचारों को भविष्यवक्ता के विचारों में बदल देंगे। तो आपको चीजों को किस नजर से देखना है? भविष्यवक्ता की नजर से, और भविष्यवक्ता बनकर ही सुनोगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल आपके अंदर बसी है, प्रभु की सांसें आपके अंदर हैं, और ये सारी चीजें आपके अंदर बसे भविष्यवाणी के अभिषेक को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करेगी। और आप सब छोटे बच्चों को एक महान भविष्यवक्ता के रूप में तलाशा जाएगा। आपके अंदर प्रभु के शब्द होने चाहिए और प्रभु के जैसी बुद्धि आप में होनी चाहिए, और ये भविष्यवाणी का अभिषेक आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों दोस्त आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो क्या अब हम प्रार्थना करें? अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों दोस्त भी तैयार हैं। एंजल तैयार होना। हाँ आंटी। समीक्षा तुम तैयार होना। हाँ आंटी। वो भी घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें बंद करके हम अन्य भाषा में प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 रब शिखे रे रब शिखे रे शिखे रे रब 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 होशार अल्लाह का। प्रभु हर एक बच्चे में बसा हुआ आपकी भविष्यवाणी का अभिषेक पुनर्ज्वलित हो जाए, वो फिर से जीवित हो जाए। उसे जीवित कीजिए प्रभु। सारे छोटे बच्चे अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करके प्रभु के नाम की स्तुति करें और प्रभु की आराधना करें। प्रभु विशेष अभिषेक से आपको बलशाली बनाने वाले हैं। आपको भविष्यवाणी के शब्दों की घोषणा करनी चाहिए, प्रभु के आने का मार्ग बनाना चाहिए, प्रभु के रहस्यों की पृथ्वी पर घोषणा करनी चाहिए। ओ शिखर रे बिया शिखर रे बिया शिखर रे बिया रबा। प्रभु हमारे बच्चों की आत्मा को बलशाली बनाइए, इनके अंदर के इंसान को बलशाली बनाइए, प्रभु के महान अभिषेक को प्राप्त कर सके इतना इनकी आत्मा को बलशाली बनाइए महान प्रभु यीशु। और अब शिखरे बिया शिखरे बिया रबा 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 और शिखरे बिया हर एक छोटा बच्चा अन्य भाषा बोले, उससे आपको प्रभु की शक्ति मिलेगी। और शिखरे बिया रबा 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 शिखरे बिया आपकी आत्मिक आंखें काम करने लगे, आपकी आत्मिक आंखें काम करने लगे। और शिखरे बिया रबा 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 शिखरे बिया रबा 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 प्रभु के साथ बने रहने के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। और शिखरे बिया बरा 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 शिखे रे बिया शिखे रे बिया बरा बरा शिखे रे बिया शिखे रे बिया बरा 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 बरा। अब हम शांति से इंतजार करेंगे। प्रभु हर एक छोटे बच्चे के साथ एक रूप होंगे, उनके रहस्यों और उनकी बातों का प्रभु आपसे खुलासा करेंगे। बिना ध्यान भटकाए प्रभु का इंतजार कीजिए और प्रभु आपसे क्या बात करते हैं हमें बताइए। बहुत से लोग एक जगह खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और उनमें से हर एक पर एक अभिषेक उठने ला जा रहा है, और उस समय और सबकी आत्मिक आंखें खोली जा रही है और हर एक को दर्शन में दिख रहा है कि वहाँ एक शैतान आ रहा है। और प्रभु पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और जब प्रभु ये पूछ रहे थे तब वो शैतान आगे आ रहा था, और फिर प्रभु ने कहा कि वो हमारा शत्रु है जो तुम्हारे माथे पर उसका निशान लगाने आ रहा है। आने वाले दिन बहुत ही भयानक अत्याचार के दिन है, और फिर उस दिन के लिए हम सबको कैसा रहना चाहिए? हम सबको तैयार रहना चाहिए।
समझ गए ना, अत्याचार हो फिर भी हमें प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए हम सबको, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना, समझ गए ना। प्रार्थना करें, आंखें बंद करो अब, और एंजल हमारे लिए प्रार्थना करेगी, आओ हम उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु हम सब पर ये आखिरी दिनों का अभिषेक कुंडलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बात प्रभु, जब आपका शत्रु आए तब हमें डटकर खड़े रहने के लिए मदद कीजिए, सिर्फ हमें ही नहीं प्रभु, बल्कि जब आपका राज्य आएगा तभी भी सभी छोटे बच्चों को धैर्य के साथ खड़े रहने में मदद कीजिए प्रभु। प्रभु उन्हें आपके लिए शहीद की तरह मरने में मदद कीजिए ईश्वर पिता। प्रभु सुसमाचार के शब्दों की घोषणा धैर्य के साथ करने के लिए उनकी मदद कीजिए प्रभु। प्रभु उन सभी बच्चों को धैर्यवान बनाइए प्रभु। प्रभु उन्हें इस छोटी सी उम्र में ही धैर्यवान बनाइए और उन सबको आपके शब्द सिखाइए प्रभु। उन सबको बहुत बलशाली बनाइए प्रभु। प्रभु यीशु उन्हें बताइए कि आपके शत्रु कैसे आएंगे प्रभु। जब वो प्रार्थना करे तब उन्हें दर्शनों के जरिए सिखाइए प्रभु। और प्रभु शैतान का विरोध करने के लिए उनकी मदद कीजिए ईश्वर पिता। कोई भी बच्चा डरना नहीं चाहिए ईश्वर पिता। प्रभु किसी भी बच्चे को आपका निशान छोड़कर किसी और का निशान नहीं लेना चाहिए। सब पर अनुग्रह कीजिए ईश्वर पिता। आपके लिए एक शहीद की तरह मरने में मदद कीजिए ईश्वर पिता। कोई भी डरना नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु उन सभी बच्चों को आपके लिए वॉरियर बनने में समर्थ बनाइए ईश्वर पिता। प्रभु इन आखिरी दिनों में वो सारी दुनिया में भविष्यवाणी कर सके इतना उन्हें समर्थ बनाइए ईश्वर पिता। प्रभु उन्हें भविष्यवाणी करने दीजिए। उन सभी छोटे बच्चों को आपके लिए उत्साही बनाइए ईश्वर पिता। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों सबने प्रार्थना कर ली ना, प्रभु ने आपसे बहुत सी बातों का खुलासा किया होगा, है ना, और आपने भविष्यवाणी का अभिषेक आपके अंदर काम करते हुए महसूस भी किया है। जैसे प्रभु ने हमारी दोस्त से एक बात का खुलासा किया, बहुत से बच्चों को प्रभु ने अभिषेक दिया है लेकिन आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्यों? प्रभु ने आपको समझाया भी है ना, सभी छोटे बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, घंटों तक प्रार्थना करनी चाहिए। सभी भविष्यवक्ताओं ने क्या किया है, प्रभु का इंतजार किया है और प्रभु से बात भी की है, उसे ही हम प्रार्थना कहते हैं। ठीक उसी तरह आपको भी स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद मैं अब बहुत थक गया हूँ ऐसा नहीं कहना है, बल्कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, सिर्फ तभी प्रभु आप सबसे रहस्यों का खुलासा करेंगे, भविष्यवाणी की बातें बताएंगे और आपको दर्शन भी दिखाएंगे, ठीक है ना। आप सभी को दो बातें हर रोज बिना भूले करनी चाहिए, और वो दो बातें कौन सी हैं? प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, ठीक है दोस्तों। अरे अलार्म की आवाज आ गई, लगता है समय समाप्त हो गया, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर से मिलूंगी, बाय। एन्जल टिभी का दार्जिलिङ एवं सिक्किम का प्रिय दर्शक वृन्द, अब तपाईले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जीसस मिनिस्ट्रीज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङ्गो, ठेगाना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस, दार्जिलिङ 734101, पश्चिम बङ्गाल। सम्पर्क नम्बर 9851025098, 9564371338। सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ, आरिथाङ, आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक, सिक्किम 737101। सम्पर्क नम्बर 7797888563। तपाईँले आफ्नो चेक और डिमान्ड ड्राफ्ट जिजस मिनिस्ट्रिज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जिजस मिनिस्ट्रिज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस, कालिम्पोङ 734301। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 03552255052। हाम्रो इमेल आइडी छ jmkpg@jesusministries.org।